हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी मार्च 2022 20 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी होली आ, होली के दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं कर पाया था मैं कल न्यूज़पेपर आया नहीं था द हिंदू का तो आपने ऐसा कुछ मिस नहीं किया ख़ास लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर कर दूंगा एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिए शेयर ज़रूर करिए और अगर आपको पसंद आता है तो कुछ आप अच्छी बातें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चन के साथ जो कि प्रिलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है है ना दीज आर द प्रिलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद बोथ नेपाल एंड भूटान इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो दोनों नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं फर्स्ट इज़ बिहार सेकेंड इज वेस्ट बंगाल थर्ड इज़ सिक्किम तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो दोनों आ, आपके नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ऑप्शन है टू एंड थ्री वन ओनली थ्री ओनली या वन टू थ्री सेकेंड क्वेश्चन इज पोचम पल्ली साड़ी इज़ अ क्राफ्ट हेरिटेज ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स पोचम पल्ली साड़ी इनमें से कौन सा स्टेट की आ, आर्ट क्राफ्ट है क्राफ्ट हेरिटेज है ऑप्शनस आर ए तमिलनाडु बी ए आंध्र प्रदेश बी तमिलनाडु सी केरला या डी कर्नाटका तो इसका आंसर आपको बताना है तीसरा सवाल है विच ऑफ़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज़ और आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्मार्ट ग्रिड्स स्मार्ट ग्रिड होने का क्या बेनिफिट होगा डायरेक्टली फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सेकेंड इज इम्प्रूवड क्वालिटी ऑफ सर्विस थर्ड इज इम्प्रूवड पावर प्रोडक्शन ठीक है ना तो ता आपको बताना इनमें से कौन से बेनिफिट्स हैं स्मार्ट ग्रिड्स के ऑप्शन आर वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री ओनली आन टू थ्री सो दीज आर द्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन ना लेट मी टेल यू दी आंसर्स आंसर्स मैं आपको बताता हूँ लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपने कितने सही किए हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए थे कितने सही किए उनमें से ठीक है ना तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों नेपाल और भूटान के साथ तो इनमें से आंसर होगा ए टू एंड थ्री बिहार जो है वो आपका जो है केवल एक स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है दोनों के साथ नहीं करता है मैं आपको बता दूं नेपाल का जो बॉर्डर शेयर होता है वो पांच स्टेट्स के साथ होता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम भूटान जो है बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम के साथ आसाम के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ ठीक है ना इसलिए आपका बिहार जो है वो केवल नेपाल के साथ करता है भूटान के साथ नहीं करता है दूसरा सवाल मैंने से पोचमपल्ली साड़ी का पूछा था इसका करेक्ट आंसर है ए आंध्र प्रदेश पोचम साड़ी जो है वो क्राफ्ट हेरिटेज है कहाँ की आंध्र प्रदेश की दैट विल बी अ सिंपल क्वेश्चन तीसरा सवाल थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं स्मार्ट ग्रिड्स के स्मार्ट ग्रिड्स आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड्स उनसे रिलेटेड है अब रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस यस बिल्कुल होगा इसका मेन मोटिव ही यही है ग्रिड बनाने का कि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम से कम किया जा सके क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑब्वियसली है जब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होंगे और ग्रिड्स स्मार्ट ग्रिड्स के फॉर्म में रहेंगे तो सर्विस इंप्रूव होगी तीसरा इम्प्रूवड पावर प्रोडक्शन अब देखो प्रोडक्शन जो है वो क्या स्मार्ट ग्रिड से या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है नहीं प्रोडक्शन तो आपका जनरेशन से रिलेटेड होता है स्टार्टिंग से रिलेटेड होता है इसलिए उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट आपको प्रोडक्शन पे नहीं देखने को मिलेगा प्रोडक्शन के बाद का काम स्मार्ट ग्रिड्स करते हैं केवल ट्रांसमिशन uh, और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में स्मार्ट ग्रिड्स आते हैं ना कि प्रोडक्शन के काम में इसलिए तीसरा जो होगा वो नहीं होगा आंसर विल बी ए वन एंड टू ओनली सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टू आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन डे की तरफ जाते हैं तो day, है, क्या थे कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया uh, मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं कि आपको जो तीन चार पॉइंट्स मैंने बताए थे पांच पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे रशिया के अटैक करने के एक वीडियो मैंने आपको बनाया था सेपरेटली आपको वो आता है कि नहीं आता है आप क्या आंसर लिखेंगे let me, let me, let me मैं आज सबके आंसर्स पढ़ूंगा भी और देखूंगा कि कौन ने कितना कितना अच्छा आंसर लिखा है कल मैं आपको बेस्ट आंसर बताऊंगा ठीक है ना तो प्लीज़ डू राइट दैट आगे मूव करते न्यूज़ पेपर एनालिसिस सबसे पहले जो न्यूज है वो पॉश एक्ट के रिगार्डिंग है पी ओ एस एच यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस तो सेक्शुअल हरासमेंट एट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रडिशन एक्ट है जो कि कब आया था ये 2013 में आया था एंड इट डिफाइंस सेक्शुअल हरासमेंट एंड इट लेस डाउन द प्रोसीजर्स फॉर द कंप्लेंट एंड इंक्वायरी एंड द एक्शन टू बी टेकन एंड इट ऑल्सो ब्रॉडन द विशाखा गाइडलाइंस तो ये ये याद रखेगा क्या क्या चीज़ें थी प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट था सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 में पास हुआ था इसने एक तो सेक्शुअल हरासमेंट को डिफाइन किया एंड इसने प्रोसीजर ले डाउन किया कंप्लेंट का इंक्वायरी का एंड क्या एक्शंस ले सकते हैं और ब्रॉड किया विशाखा गाइडलाइंस को तो आपके दिमाग में आएगा कि सर विशाखा गाइडलाइंस क्या है विशाखा गाइडलाइंस एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था नाइनटीन में नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट इन विच इट लेड डाउन द सर्टन गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट मॉलिस्टेशन एक्सेट्रा उनको

कंपनी अपने हर ऑफिस या ब्रांच में जहां 10 से ज्यादा मेंबर हैं वहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएगी ठीक है ना दूसरा इसने कहा इट लेस डाउन प्रोसीजर्स एंड डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट जिसमें कि एग्रीव्ड विक्टिम कौन हो सकता कौन है एंड हु कुड बी ऑफ एनी एज वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट पे या तो वर्क कर रही है, कर रही है उस वर्क प्लेस को. तो ऐसी को भी इंक्लूड किया गया है ना जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे इम्प्लॉयड ही वो काम ही कर रही हो विजिट करने वाली वुमेन इसमें इंक्लूडेड थी ठीक है ना इसके अलावा अंडर द टू थाउजेंड थर्टीन लॉ सेक्शुअल हेरासमेंट इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट ऑफ बिहेवियर है ना जिसमें कि फिजिकल कॉन्टैक्ट एडवांस डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क्स शोइंग पोर्नोग्राफी एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्शुअल नेचर ठीक है ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट याद रखेगा एक पब्लिश की उन्होंने एक हैंडबुक ऑन सेक्शल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ठीक है इसमें और ज्यादा डिटेल्ड और सारी बिहेवियर्स जो है वो मैंशन है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स सेकेंड जो न्यूज है वो बी के रिगार्ड अकॉर्डिंग है अब ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है है ना ये एक्चुअली में ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जिसके अकॉर्डिंग आपका एक जिसने एक जॉइंट बॉडी बनाई है एडवर्टाइजर्स की एजेंसीज की ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज की जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स है इन सबका ग्रुप है अब ये बना था 2010 इट वाज फॉर्मड इन 2010 बारसी जो है है ना बी ए आर सी जो है वो आपका 2010 में बना था और ये क्या काम करता है जो टी आर पी वाला काम याद है आपको मैंने बीच में आपको टाइम्स नाउ का बताया था कि एक एक आ, जो एक, एक स्कैम हुआ है उसमें बी ए आर सी का जो रेटिंग सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया था टी आर पी सिस्टम को बंद कर दिया गया था तो वही वाली चीज़ अब दोबारा से चालू कर दी गई है ठीक है ना तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब जो है वो आपका जो बी ए आर सी का फुल फॉर्म याद रखिएगा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंस

हाउस होल्ड्स को सेलेक्ट किया जाता है फिर उनके घर में उनके टी में बार ओ मीटर्स लगाए जाते हैं सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स के घर में बार ओ मीटर्स लगाए जाते हैं और ये बारो मीटर्स क्या काम करते हैं बेसिकली ये बार मीटर्स देखते हैं कि किसके घर में कितनी देर तक क्या चीज़ चल रही है फिर उसी के बेसिस में उन्हीं सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस शो की किस चैनल की कितनी टी है ठीक है ना जितना ज़्यादा वो चलेंगे उतना ज़्यादा उनको टी मिलेगी ठीक है ना इसी को मैनिपुलेट किया था टाइम्स नाव में उन घरों को ढूंढ लिया और उनके घर में जाके वही वही चलाने लगे उनको पैसे देने लगे कि आप यही चलाओ तो आपको पैसे मिलेंगे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार किसको मिला है स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मेल में मिला है नीरज चोपड़ा जी को जेवलिन थ्रो में आपको पता ही ओलंपिक्स में गोल्ड लाने वाले हैं ये और दैट इज अ थिंग इज इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा ठीक है ना तो नीरज चोपड़ा को मिला है तो याद रखिएगा ये इसके अलावा दूसरी चीज़ आगे हम बता दें इंडिया और जापान जो है टारगेट फॉर 42 बिलियन इन्वेस्टमेंट तो अब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है एंड इंडिया एंड जापान ने कहा कि फोर्टी टू बिलियन डॉलर का इन नेक्स्ट फाइव ईयर में इन्वेस्टमेंट uh, टारगेट हो रहा है जापान का इंडिया के साथ एंड बोथ साइड्स एव डिस्कसिबिलिटीज कहा और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं ठीक है ना ऐसे में यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है कि क्वाड का भी मेंबर है इंडिया और जापान दोनों और इंडो पैसिफिक में दोनों की काफ़ी मतलब भूमिका है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में बता दूँ कि क्या क्या वे फॉरवर्ड है मैं आपको इसको नोट कर लीजिए कभी आपको आंसर लिखने के लिए आ गया मेन्स का या क्या कर सकते हैं इंडिया जापान तो उसमें आप लिख सकते हैं इंडिया जापान में पहला पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है हम बढ़ा सकते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में हमारा दूसरा है कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी सिक्योरिटी है मेरीटाइम सिक्योरिटी आपका इन्वॉल्व हो सकता है जॉइंट एक्सरसाइज हम करते ही रहते हैं है ना आर्म्ड एंड मिलिट्री मिलिट्री और मेरीटाइम दोनों ही एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी तीसरा क्वाड में हमें कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए है ना ऑलरेडी जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएसए जो है मेम्बर कंट्रीज हैं क्वाड की और क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक के लिए काम रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे अपना कोलैबोरेशन बढ़ाए, कल्चरल बॉन्ड तो हमारा ऑब्वियस सी बात है स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप जो है हमारी जापान के साथ है और कल्चरल बॉन्ड को हम और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं चाहे वो Buddhism के थ्रू हो चाहे किसी और रिलिजन के थ्रू हो तो ये सारी चीजें हम इन्वोक कर सकते हैं तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीस थिंग्स आपको समझ में आ गया होगा लास्ट में मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में लास्ट की तरफ से आते हैं ना पीछे से हम आते हैं अब यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ एक बताऊंगा बहुत ही प्यारी स्टेप अप फॉर ग्राउंड वाटर अब यहाँ पे हैदराबाद यानी कि तेलंगाना रीजन में ओल्ड स्टेप वेल्स हैं स्टेप वेल्स मतलब कि जो ऐसे नहीं बनी रहती हैं आपकी ऐसे 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 स्टेप्स बनी रहती हैं और ये नीचे बावड़ी या कुएं टाइप की चीज़ रहती है स्टेप स्टेप वेल्स रहती हैं अब याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं को बाउलीज बोलते हैं बाउली बोलते हैं क्या बोलते हैं तेलंगाना में बाउली बोलते हैं ये ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था एक तरीके से और ये स्टेप वेल्स जो है इनको दोबारा से हैदराबाद में प्रमोट किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना लिख लेना इसको बाउली बाउलीज अगर आपको कोई तो ये वेस्टर्न नदर इंडिया एंड द डेक पार्ट में तो बाउलिस कहां यूज होते थे वेस्टर्न दर इंडिया एंड आपका यहाँ पे uh, डिकन वाले पार्ट में ठीक है ना तो मैं इसको याद रखिएगा एंशियंट स्टेपेल्स जो थी इनको बाउलीज बोलते थे वही अब यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं वाले में यहाँ पे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी काम करेंगे तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए कुतुब शाही बड़ा बाउली हो गया आपका इसको आगा खान ट्रस्ट ने रिस्टोर भी किया था बापू घाट हो गया दीज आर द्राउंड वाटर गशिंग प्रिस्टीन बाउली एंड ऑल तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे ही रिजर्वनेशन और ये सब किया जा रहा है ताकि एक जो है वहाँ पे वो किया जा सके ठीक है ना अब यहाँ पे देखो तो लेगा थ्री टाइप्स ऑफ स्टेप एग्जिस्टेड इन तेलंगाना एंड जिसमें एग्रीकल्चर है राउंड है एंड वॉक है तीन है कौन कौन से हैं ये याद रखेगा इन तेलंगाना और दूसरी जगह पे जो मतलब कि वेल्स मिली है वो किस तरह की मिली एग्रीकल्चरल वेल्स मिली है दूसरी राउंड वेल्स मिली है तीसरा वॉक इन यानी कि जहाँ पे चल के जा सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे जो है दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट अब मैं इसके साथ आपको एक, एक एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँगा जिसमें आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है वो चीज़ कौन सी है वो है आपका तो ट्रेडिशनल था इसको लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आपको डिटेल नहीं बताएगा लोग तो पार सिस्टम पार सिस्टम जो है कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है जो कि राजस्थान रीजन में प्रैक्टिस की जाती है एंड इट इज अ कॉमन प्लेस बेसिकली पार इस तरीके से एक गोला या छोटा सा ऐसा स्क्वायर फॉर्म में रेक्टेंगल फॉर्म में कॉमन प्लेस बना दिया जहाँ रेन वाटर फ्लो करके आएगा है ना कैचमेंट से और वहाँ पे पर्कुलेट कर जाएगा सॉइल्स में और वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा है ना पर्कुलेटेड तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ थिंग एक स्टोरेज एरिया बनाते हैं जिसमें कि कुइज या बेरी बोलते हैं कुयाँ या कुया नहीं बोलते कुइज या बेरी तो कुइज यहाँ पर डक की जाती हैं तो उनको पाँच मीटर लगभग डीप रखा जाता है बारह मीटर डीप रखा पाँच से बारह मीटर डीप तक हो सकते हैं पार सिस्टम में तो कुइज और बेरीज़ बनाए जाते हैं और पार जो है कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि प्रैक्टिस होता है वेस्टर्न राजस्थान में फिर तालाब और बंधी हो गया आपका तालाब और बंदी क्या है एक तरीके से ये रिजर्वयर्स है तालाब और बंदी क्या है रिजर्वयर्स है और दे मे बी नेचुरल जिसमें क्या आपका पॉन्ड भी आता है पोखरी जिसको बोलते हैं पॉन्ड पोखरी ये बुंदेलखंड टीकमगढ़ वाले रीजन में आता है है ना दे कैन नहीं मैन मेड आल्सो जैसे कि ये तालाब बंदी बन, जो है मैन मेड भी हो सकते हैं उदयपुर वाले रीजन में आपने देखा होगा ठीक है ना दैट इज द थिंग विच इज इंप इंपॉर्टेंट अब अगर ये रिजर्वॉयर पाँच बीघा से कम है अगर एरिया जो है वो पाँच बीघा से कम है तो उसको तालाब त, त, तलाई बोलेंगे तलाई अगर मीडियम साइज लेक है तो उसको बंदी या तालाब बोलेंगे और अगर बड़ा है, बड़ा है बड़ा है बिगर है तो वो सागर या समंद बोलेंगे ठीक है ना क्या क्या है तलाई क्या होता है तलाई मतलब कि पाँच बीघा से कम अगर मीडियम साइज है तो उसको बंधी या तालाब बोलेंगे और अगर बड़ा है और बिगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे uh, सागर या तो दैट इज अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट आई होप यू विल रिमेंबर दैट तीसरा नेक्स्ट है जोहर सिस्टम uh, जोहर सिस्टम क्या होता है जोहर स्मॉल अर्दन चेक डैम्स टाइप के होते हैं स्मॉल अर्दन चेक डैम्स होते हैं कंजर्व द रेन वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोहर सिस्टम ये स्मॉल अर्दन चेक डैम्स होते हैं जो कि कैप्चर करते हैं कंजर्व करते हैं क्या रेन वाटर को इम्प्रूव करते हैं परकोलेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज को दैट इज अ थिंग विच इज इम्पोर्टेंट है ना याद रखेगा इसको जोहड़ क्या होता है जोहड़ एक स्मॉल अर्दन चेक डैम होता है जो कि कैप्चर एंड कंजर्व करता है रेन वाटर को ठीक है ना ये भी आपका राजस्थान वाले रीजन में जोहड़ भी इंपॉर्टेंट था है ना ये याद रखेगा फिर लास्ट एक पार्ट सिस्टम है पार्ट सिस्टम आपका uh, मध्य प्रदेश वाले रीजन में होता है पार्ट सिस्टम पी पार्ट सिस्टम जिसमें भिताड़ा विलेज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे यूनिक पार्ट सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें वाटर में क्या होता है इसमें डाइवर्स diver, डाइवर्ट किया जाता है है ना ट्रेन से जब मान लो ट्रेन आपका सही नहीं है तो वहाँ पे डाइवर्ट करके है ना हिल स्ट्रीम्स बनाई जाती हैं इरीगेशन चैनल्स बनाए जाते हैं जिनको पार्ट बोलते हैं ये इरीगेशन चैनल्स होते हैं एक्चुअली में ये इरीगेशन चैनल्स होते हैं जिनको पार्ट बोलते हैं ठीक है ना तो ये भी आप याद रखिएगा दैट इज अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग

एंड क्रिकेट uh, में रविचंद्रन अश्विन है विमेन uh, में मिताली राज हैं ठीक है ना तो ये आप याद रख सकते हैं इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि बाकी कौन कौन से हैं तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है यू कैन मूव अहेड विद मी वॉट इज द एन पी पी एज रोल इन फिक्सिंग ड्रग प्राइजेस तो यहाँ पर बात करेंगे एन पी पी ए की और क्या रोल है ड्रग प्राइज को फिक्स करने में इसका चलो पहले एनपीपीए के बारे में बता दूँ एनपीपीए जो बनी थी वो 1997 में बनी थी एन पी पी ए वॉज फॉर्म्ड इन नाइनटीन सेवन टू फिक्स और रिवाइज द प्राइज ऑफ कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स एंड फार्मूलेश्स प्राइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ़ मेडिस इन द कंट्री तो ये जो एन पी पी ए है नाइनटीन नाइनटी सेवन में बनाई गई थी ताकि जो प्राइज हो सके जो कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स हैं अन फार्मूलेशन एंड मेडिसिन केस में उनकी प्राइज को फिक्स किया जा सके या रिवाइज किया जा सके और उनकी अवेलेबिलिटी को कंट्री में मैंटेन किया जा सके एज पर द ड्रग्स प्राइजेज कंट्रोल ऑर्डर तो ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर

अब यहाँ पे जो सीलिंग प्राइस है मतलब कि टॉप प्राइस है जो वो कैसे मेंटेन की जाती है किसी शेड्यूल्ड देखो दो दो तरीके की ड्रग्स रहेंगी एक शेड्यूल्ड ड्रग्स रहेंगी एक एक, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करिएगा जो ये दो तरीके के ड्रग्स रहते हैं ना शेड्यूल्ड ड्रग्स जो रहती हैं इनका जो प्राइस होता है वहाँ हर साल होल सेल प्राइज इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बढ़ाई जाती हैं देखो यहाँ पर लिखा है ये लेट मी यूज़ दिस वन ओके सो लेट मी यूज़ दिस वन दिस वन ओके तो यहाँ पे देखो होल सेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये जो एनुअल चार्ज रहता है वो रहता है दूसरी जो बाकी के मेडिसिन हैं उनमें दस परसेंट का इंक्रीज हो सकता है दस परसेंट तक का इंक्रीज ईयरली एनुअल बेसिस पे किया जा सकता है ठीक है ना याद रखिएगा लगभग पचासी परसेंट जो मार्केट है उसमें ऑटोमेटिक इंक्रीज़ है दस का हर साल और फिफ्टीन जो मार्केट है उसको एन तरीके से मेनटेन करती है कि उसमें डब्ल्यू के बेसिस पे ये जो फिफ्टीन का मार्केट है ना यही शेड्यूल्ड मेडिसिन है ठीक है ना ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है अब एक्चुअली बात ये चल रही है बात ये चल रही है कि चूंकि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और इतनी क्राइसिस जैसी सिचुएशन है तो जो मतलब कि जो मार्केट वाले हैं वो कह रहे हैं कि भैया जो शेड्यूल्ड ड्रग्स है वहाँ पे भी आप दस परसेंट का इंक्रीज़ करो है ना अब इसको डब्ल्यू पी भी वैसे भी डब्ल्यू पी बढ़ ही रहा है ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पी आई नहीं बढ़ रहा है वहाँ पे अब ज़रूरत है कि दस परसेंट का इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो नुकसान है उनसे वो, वो बच सके है ना तो जो सीलिंग प्राइस है शेड्यूल्ड ड्रग की वो कैसे डिटरमाइन होती है एक मतलब कि पहले तो जितने ब्रांडेड और जेनरिक वर्जन हैं उस दवाई के जितने भी ब्रांडेड और जेनरिक वर्जन है उस दवाई के उनका एवरेज निकाला जाता है ठीक है ना

का जो आ, के थेरापिटिक वैल्यू है वो प्रोवाइड रहा है ठीक तो है ना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप समझ लीजिएगा बाकी तो इनपुट कॉस्ट चूंकि इतनी ज़्यादा हाई है और हम मेजरली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर तो इस कारण से इनकी प्राइसेस बढ़नी चाहिए है ना तो प्राइसेस जो हैं वो टाइम टू टाइम पे रिवाइज़ होती हैं बिकॉज ऑफ द जो बल्क ड्रग्स हैं रॉ मटेरियल्स हैं या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया या जो भी फ्री ट्रेड चल रहा है उस समय का है ना तो इन सब कारणों से ये प्राइजेस बढ़ जाते हैं और यही चीज़ है कि यहाँ पर होल प्राइस इंडेक्स के ऊपर ये डिपेंडेंट रह रहे थे इसलिए बहुत सालों से बढ़ नहीं रहा था तो इसीलिए शेड्यूल्ड ड्रग्स का प्राइस जो है फार्मा बॉडी चाहती कि दस परसेंट तक इंक्रीज किया जाए ऑब्वियस सी बात है विल द वॉर इन यूक्रेन rattle इंडियाज banks? तो यहाँ पे क्या वॉर जो है यूक्रेन का वो इंडिया के बैंक्स को तंग करेंगे तो बिल्कुल करेंगे यहाँ पे ऑथर का ये कहना है देखो मैं सिंपल सा जो इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ आपको बताता हूँ सिंपल सा ऑथर का ये कहना है कि भैया अगर यूक्रेन में वॉर हो रहा है इसका मतलब है कि पेलीडियम की सप्लाई कम है इसका मतलब है कि न्योन की सप्लाई कम है इसका मतलब है कि सेमी की सप्लाई कम है इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो कि सेमी में डिपेंडेंट है उनको काम सही से नहीं कर पाएंगे

बढ़ती ही बढ़ती है साथ ही जो ये नुकसान है ना मतलब कि जो वाला प्रॉब्लम शुरू हो सकता है वो मैंने कनेक्शन आपको बता दिया है अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लेना बिल्कुल आपको समझ में आएगा एक एक चीज समझ में आएगी आई होप यू विल अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस अगला है ओवर लुकिंग रीजनेबल एकोमोडेशन अब आपको रिसेंटली कर्नाटका कोर्ट का ऑर्डर पता होगा जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हिजाब पहनना जो है वो इस्लाम की बेसिक नेसेसिटी नहीं है दैट इज़ नॉट अ बेसिक नेसेसिटी इन दैट तो ऐसे में ऑथर ने बोला है कि जो ये जजमेंट है कर्नाटका कोर्ट का ये ओवर लुक कर रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को जिसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकॉमोडेशन द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकॉमोडेशन ये चीज़ यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि ओवर लुक की जा रही है अब एक्चुअली ये प्रिंसिपल कहाँ डिफाइंड है तो एक आपका यूएन कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज तो याद रखिएगा पर्संस विद डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग जो कन्वेंशन uh, हुआ था वहां पे ये रीजनेबल अकोमोडेशन मेंशन किया गया है है ना तो यूएन कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज है ना तो इसमें रीजनेबल अकोमोडेशन कह रहा है नेसेसरी एंड एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट नॉट इम्पोजिंग अ डिसपोशनेट और अनड्यू बर्डन वे आर नीडेड इन अ पर्टिकुलर केस टू इंश्योर दैट परसन विद डिसबिलिटीज है इन्जॉयमेंट इन्जॉयमेंट ऑन इक्वल बेसिस तो मतलब लॉज को रूल्स को आप इस तरीके से मॉडिफाई करो या एडजस्ट करो ताकि जो पर्सन विद डिसबिलिटीज हैं वो उस चीज का पूरा इंजॉयमेंट ले सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये आर्टिकल टू बोलता है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ना तो दैट इज द थिंग दिच इज मश अब यहाँ पे एक्चुअली ऑथर ने देखो क्या किया बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने क्या किया है एक राइट टू पर्सन विद डिसबिलिटीज का जो क्राइटेरिया uh, है उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहां पर हिजाब और इस कॉन्ट्रोवर्सी में है ना तो दैट दैट इज एक्चुअली आई डोंट थिंक दैट इज सच काइंड ऑफ डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी आप सबको पता है जब होती है तो कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है डिसबिलिटी एक्चुअली नॉट एबल टू वॉक एक्चुअली नॉट एबल टू टॉक एक्चुअली नॉट एबल टू हियर एक्चुअली नॉट एबल टू सी है ना और ऐसे में इस चीज को कंपेयर करना हिजाब को हिजाब कंट्रोवर्सी को कंपेयर करना दैट इज आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट कंपेरिजन एज पर ऑथर इज दिंग तो यहाँ पर ऑथर ने याद रखेगा रीजनेबल एकॉमोडेशन जो है बेसिकली उसको इन्वोक करने का कहा है कि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है

अगला है यहाँ पे रिकॉर्ड लो आइस जो है वो अंटार्क्टिका की जो सी आइस है वो बिल्कुल लोएस्ट मिनिमम में चल रही है सैटेलाइट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत मिनिमम चल रही है जो 1979 से स्टार्ट हुआ था कम होना और अब बिल्कुल लो पे चल रही है ठीक है ना थोड़ा सा मैं आपको इंडिया के एंटार्क्टिक मिशन के बारे में बता दो इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत नाइनटीन में इनिशिएट किया गया और हमारा जो पहला वहाँ पे बनाया था कंस्ट्रक्ट हुआ था दक्षिण गंगोत्री उसने रिसर्च स्टार्ट किया था 1983 में उसके बाद 1989 में मैत्री हमारा सेकंड बेस बना दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री बना और तीसरा फिर हमारा भारती बना 2012 में कमीशन किया गया भारती 2012 में तो इन तीनों के नाम याद रखेगा दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रीलंका रंस आउट ऑफ पेपर कैंसल्स एग्जामिनेशन तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी कंट्री रिसेंटली जिसने अपने एग्जाम कैंसिल कर दिए बिकॉज ऑफ पेपर की कमी तो ये है श्रीलंका श्रीलंका में इतना कम पैसा बचा है फॉरन एक्स रिजर्व इतना कम है कि वो पेपर तक नहीं खरीद सकते इम्पोर्ट नहीं खरीद कर सकते हैं और उनको अपने यहाँ के पेपर एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल करने पड़े और लो चाइना से पैसे उधार यही होगा तुम्हारा हाल तो ये चीज़ अब दूसरे कंट्रीज़ को भी समझना चाहिए और भारत के पास आना चाहिए ज्यादा चाइना के चक्कर में फंसोगे तो इसी तरीके से इधर उधर घूमते रहोगे समझ में भी नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे देखते हैं यूक्रेन कन्फ्लिक्ट गेव जिटर्स इन ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे पेलीडियम और नियॉन की जो कमी है पेलीडियम जो है वो क्रिटिकल सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग के लिए है दैट इज़ क्रिटिकल फॉर सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग है ना इस सेम गोस फॉर नियॉन ऑल्सो है ना नियॉन गैस जो है उसका भी उसकी कमी भी है बेसिकली एंड इस कारण से जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो कस्टमर्स के ऊपर पड़ेगा कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा जो लोग ऑब्वियसली आते हैं कंज्यूम करते हैं उनको तो ज़्यादा महंगा ही दिखेगा ना सारा कुछ तो दैट इज़ अ थिंग विच विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप यू गॉट क्लियरिटी ऑफ द ओवरऑल न्यूज़पेपर ऑल्सो दैट इज़ इट फॉर द डे प्लीज़ कीप लविंग अस कीप शेरिंग अस दैट इज़ इट फॉर द डे थैंक यू एट है नाइस डे